शिवपुरी माधवराव सिंधिया खेल परिसर में इंटरनेशनल शूटिंग रेंज का कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने किया लोकार्पण। शिवपुरी में एक दिवसीय दौरे पर शिवपुरी पहुंची कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने बुधवार को माधवराव सिंधिया खेल परिसर में नवनिर्मित इंटरनेशनल शूटिंग रेंज का फीता काट कर लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने इंटरनेशनल शूटिंग रेंज कैंपस का निरीक्षण कर कोच और खिलाड़ी से परिचय प्राप्त किया। मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि अब शिवपुरी के खिलाड़ियों के लिए शूटिंग जैसे खेलों के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने अब इंटरनेशनल लेवल की सुविधा शिवपुरी में ही इंटरनेशनल शूटिंग रेंज कैंपस बनाकर उपलब्ध करा दी है। अब हमें आवश्यकता है कि हम सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करें। इस मौके पर जिला कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी आदि कई लोग मौजूद रहे। शूटिंग में मैम कितने बच्चे एक साथ ट्रेनिंग लेंगे यहाँ पर? शूटिंग में तो उतने ही आप शूट कर पाओगे, आप बैचेस में कर सकते हो। क्या कह सकते हैं, जैसे भोपाल में जो बच्चे प्रयास कर रहे थे वो बता रहे थे कि हमने 10.9 भी मारा और 10.8 भी मारा, ऐसे में क्या ये बच्चे ओलंपिक में जाएंगे? शिवपुरी के बच्चे भी कभी निकलेंगे ओलंपिक में? लंबा रास्ता है, पर आप देखो हमारी कोशिश खत्म नहीं होनी, हमें तो कोशिश करनी है ना, जितना पानी तक लाओ। जैसे हमारे अभी राजू सिंह को हमने 6 महीने 8 महीने फ्रांस में रखा, आयरलैंड और फ्रांस में 2 घोड़ों के साथ, ठीक है। अब लास्ट में सबसे बेस्ट मार्क्स उसके ही हुए, फिर उसको MER करना था, उसने बेस्ट मार्क्स किए पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन में उन्हें 4 जंप गिरा दिए, नहीं जा पाए टीम में। अब हमारे तो दुख है, पर हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम, हम हार नहीं मानेंगे ऐसे। वो तो इतने क्लोज आया, भिंड का लड़का है, और वो सारे तो बड़े बड़े बुस्टन, बॉम्बे, दिल्ली, पता नहीं कहाँ कहाँ से। तो हमारा काम है गाँव से बच्चों को निकालना, इसमें भी आपको मदद करनी। कहीं भी आपको सुनाई में आता है कि ये बच्चा अच्छा करता है, ये अब हमें बताओ ना, अब हमारे हवाले कर दो, हम देखते हैं, अगर उसकी क्षमता है तो हम जायजा करके उसको ले आएंगे एकेडमी में।